दोस्तों टिकटॉक के आ जाने के बाद हमारे देश में कैमरा के सामने चुल मचाने वालों की बाढ़ सी आ गई है। यही वजह है कि यहाँ हर कोई टिकटॉकर बना घूम रहा है और उनके उल्टे सीधे हरकत को देख हर कोई अपना सर पकड़ ले रहा है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही वीडियोस को लेकर आए हैं जिसे देख आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों टिकटॉक बैन होने से पहले हमारे देश में टिकटॉक बनाने वालों की बाढ़ सी थी। टिकटॉकर का हर जगह पर कब्जा था, कहीं भी कभी भी मोबाइल लेकर टिकटॉक बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरह एक हादसा देखने को मिला जब प्रिया गुलानी नाम के टिकटॉकर रात के समय खुले रोड पर टिकटॉक वीडियो बना रही थी, जहां पर टिकटॉक बनाते वक्त एक कुत्ते ने उन्हें धर दबोचा और कुत्ते का काटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद वो दूसरे वीडियो डालकर बताई कि कुत्ते ने उन्हें कितना काटा। हालांकि उनके दोस्त ने वीडियो में समझाया कि कहीं भी किसी भी रोड पर टिकटॉक नहीं बनाए, आज कुत्ते ने काट लिया इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। रास्ते पे डांस मत कर, आज कुत्ते ने काटा, देखो क्या हालत हो गई है इसकी, अब कल इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे इसको। देखो कितनी जोर से काटा है मुझे। शायद कुत्ते को भी टिकटॉक बनाना पसंद नहीं आया। दोस्तों पाकिस्तान में आर्मी की ट्रेनिंग परीक्षण चल रही थी, वहां पाकिस्तान के जनरल और अन्य उच्च अधिकारी भी बैठकर आर्मी ट्रेनिंग का जायजा ले रहे थे। शक्ति परीक्षण शुरू हो जाता है और पहला टास्क जो होता है, जहां एक कमांडो दूसरे कमांडो के सर पर रखे एक मिट्टी के पॉट तोड़ने के लिए किक करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और मिट्टी का पॉट नहीं टूटता। उसके बाद वो दूसरा ट्राई करता है लेकिन उसमें भी फेल हो जाता है। उसके बाद उनके सीनियर कमांडो आते हैं और किक करते ही वो भी जोर से गिर पड़ते हैं। गिरने के बाद उन्हें इतनी जोर से चोट लगी कि दोबारा वो लात के बजाय हाथ से उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वो मिट्टी का पॉट नहीं टूटता। नतीजा ये कि कैमरा और जनरल अधिकारी के सामने खुद का बेइज्जती करवा लेते हैं। उसे देख जनरल अधिकारी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते और उठकर चले जाते हैं। खैर दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान ऐसे ऐसे कमांडो के साथ कैसे इंडिया से लड़ाई की बात करता है। दोस्तों कैमरा देखकर काफी सारे लोग हैं जो ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि ये टर्की कंट्री का स्वैट आर्मी को एक संदिग्ध जगह ड्रग डीलर के यहाँ छापेमारी करनी थी। वो डीलर अकेला था इसलिए स्वैट टीम कॉन्फिडेंस में आकर वो लोग प्रेस और मीडिया को कैमरा के साथ बुला लिए ताकि कैमरा के सामने उस ड्रग डीलर को पकड़ सके। उसके बाद वो ड्रग डीलर के दरवाजे को तोड़ना शुरू किया, जिसके लिए मजबूत बैटरी रैंक का यूज किया जो सिर्फ एक अटैक से किसी भी मजबूत डोर के लॉक को तोड़ सकता है, लेकिन स्वैट टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ। कई बार हिट करने के बावजूद भी वो डोर नहीं टूटा और प्रेस और मीडिया के सामने कैमरा में उनकी बेइज्जती हो गई। उनके लगातार प्रयास के बाद भी वो दरवाजा नहीं टूटा और आखिरकार उस घर के नौकर ने अंदर से दरवाजा को खोला, तब जाकर ये लोग उस ड्रग डीलर को पकड़ पाए। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इसका जीता जागता सबूत है ये वीडियो जो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये डिलीवरी बॉय पार्सल डिलीवरी के लिए इतनी जल्दी में था कि पार्सल करने आए इस घर के बाहर धड़ाम से गिर पड़ता है। चोट इतनी जोर से लगती है कि वो बेचारा जमीन पर ही लेट जाता है और जब थोड़े देर बाद उसे आराम मिलता है तो हिम्मत के साथ दोबारा उठता है और एड्रेस ढूंढने के लिए बाहर जाता है कि वो दोबारा फिर से जोरों से गिर जाता है। शायद इसे जल्दीबाजी ना करके आराम से अपना काम को करना चाहिए था। दोस्तों अमेरिका के एक फेमस कपल निकोलस और डैनियल मिलकर फनी वीडियोस बनाते हैं। जून 2020 में निकोलस एक हेलीकॉप्टर पायलट के साथ मिलकर अपने वाइफ के साथ एक प्रैंक प्लान करता है, जहां हेलीकॉप्टर जब 10,000 फीट के ऊंचाई पर रहता है तब पायलट ने बेहोश हो जाने का नाटक किया। यह देखकर उनके वाइफ
डैनियल की हालत खराब हो गई और इतनी डर गई कि उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी और जोर जोर से रोने लगी और उनकी ये रिएक्शन देख किसी को भी हंसी आ जाएगी। वेल, तो दोस्तों आज के वीडियोज में बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो जो आने वाली है वो पबजी खेलते वक्त हुए कुछ फनी हादसों के बारे में है, जैसे कि एक ईरान के शादीशुदा कपल ने इसलिए तलाक ले ली क्योंकि पबजी खेलते वक्त उसका पति ने उसके पत्नी को रिवाइव ना देकर अपने दूसरे टीममेट को रिवाइव दे दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और आने वाली नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंटरेक्ट आइडिया।